हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोग समझेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज एंड डैश फार्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन, या सोहॉर्स आपको गिवन है तो फिशर में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड फाइनली द न्यूमन प्रोजेक्शन टू फिशर। आई हैव सीन कि इंटर कन्वर्जन में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, तो आई होप आपकी ये सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेज एंड डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है वेज एंड डैश में। अब इसमें फंडा कुछ ऐसा है कि आपको अपनी आई को प्लेस करना है वेज और डैश के बीच में। जैसे सी और डी जो है, ये हमारा वेज है और ये हमारा डैश है, तो आपको अपनी आई को पोजीशन करना है इसके बीच में। यहाँ से आपको देखना है, जब तुम यहाँ से देखोगे तो पाँव तुम्हारे यहाँ ज़मीन पर होने चाहिए, ये तुम्हारा सिर है और यहाँ से तुम इसे देख रहे हो। जब तुम इसे देख रहे हो तो ये सी और डी जो है, ये दोनों ग्रुप्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर विच इज़ यू। और जो ए है और जो ये बी है, ये तुमसे दूर जा रहे हैं। यानी तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये सी और डी किस में हो गए? वेज में हो गए। यानी अब एक्चुअल में तो तुम स्क्रीन से देख रहे हो, तो स्क्रीन पर तो डी क्या है, पीछे की तरफ है स्क्रीन के, और सी स्क्रीन से बाहर है। लेकिन जब तुम यहाँ से साइड में जाके देखोगे तो सी और डी तुम्हें तुम्हारी तरफ आते हुए लगेंगे। यानी तुम्हें एक्चुअल में डी लगेगा तुम्हारे राइट में, लेकिन तुम्हारी ओर आते हुए, और सी तुम्हें लगेगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में लेफ्ट में। तो सी तुम्हारे लेफ्ट में है, डी तुम्हारे राइट में होगा, और दोनों आपके रिस्पेक्ट में वेज पे होंगे। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में ए जो है ये पीछे की तरफ यानी डैश में जा रहा होगा, और बी जो है ये भी पीछे की तरफ जा रहा होगा डैश में। अब देखिए, अगर हमने ऐसा देखा तो आप देख सकते हैं कि ये सी और डी दोनों वेज में है और ए और बी दोनों डैश में है। फिशर बनाने के लिए अपने को यही तो चाहिए था, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है वेज को, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है डैश को। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अब लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। सो वॉट इज़ द रूल? रूल इज़ यू हैव टू प्लेस योर आई बिटवीन वेज एंड डैश, ताकि दो ग्रुप तुम्हें तुम्हारी ओर आते हुए दिखें और दो ग्रुप तुम्हें दूर जाते हुए दिखें। जो ग्रुप तुम्हारी तरफ आएंगे वो वेज में होंगे, यानी दे विल फॉर्म द हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो दो ग्रुप तुम्हें तुमसे दूर जाते हुए दिखेंगे दे विल फॉर्म द वर्टिकल लाइन। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वेज एंड डैश टू फिशर। अब हम सीखेंगे सोहॉर्स प्रोजेक्शन अगर हमें गिवन है तो उसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये हमको सोहॉर्स गिवन है। पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, फिशर कैन बी कन्वर्टेड ओनली व्हेन यू हैव बीन गिवन एक्लिप्स्ड फॉर्म। आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म अगर दिया हो, वो भी एक्लिप्स्ड में, यू शुड बी गिवन स्ट्रेट वाई फॉर्म, इस तरह का शेप आना चाहिए, तभी हम सोहॉर्स प्रोजेक्शन को बना पाएंगे। अगर यहाँ पे एक्लिप्स की बजाय स्टैगर्ड फॉर्म गिवन होगा, तो पहले हम उसको रोटेशन करके एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम फिशर को बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो बी और ई e है दे आर आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये वेज में है, और जो ए और डी है ये किस में है? डैश में। जैसा कि मैंने बताया था, आपको अपनी आई को वेज और डैश के बीच में प्लेस करना है। तो वेज यहाँ पे है, डैश यहाँ पे है, वेज यहाँ पे है, डैश यहाँ पे है। तो आप अपनी आई को कहाँ प्लेस करेंगे? तो आप अपनी आई को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे प्लेस करेंगे, ताकि आपको डी ई ए बी दोनों का व्यू आए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं और आपके पैर कुछ इधर होंगे, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ से जब तुम देख रहे होगे तो ये जो डी और ई e है ये तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, ये जो ए और बी है ये भी तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, और ये जो सी और एफ है ये तुमसे दूर जा रहे होंगे। अब जो ग्रुप तुमसे दूर जा रहे हैं यानी डैश पे जा रहे हैं, दे विल फॉर्म द वर्टिकल लाइन, और जो ग्रुप तुम्हारी तरफ आ रहे हैं दे विल फॉर्म द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सिर के रिस्पेक्ट में कौन सी होगी? जब आप यहाँ से देख रहे हो तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है डी, ये इसको मान लेते हैं सी वन, और ई ये आपकी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमने बनाई पहली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में ई कहाँ है? राइट में है, और डी कहाँ है? तुम्हारे लेफ्ट में है। तुम इसके डी और ई के बीच में लाई कर रहे हो कहीं पे, और ये कार्बन नंबर वन है। एफ को देखें, एफ जो है आपके रिस्पेक्ट में डैश पे है, यानी ये वर्टिकल लाइन पे होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे ही डैश होता है। तो एफ उस वर्टिकल लाइन के टॉप पे आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गई बॉटम लाइन, इसको कार्बन टू बोलते हैं। ये लाइन है हमारी ए टू बी, ए टू बी, इसमें बी हमारे रिस्पेक्ट में राइट में आएगा, ए हमारे रिस्पेक्ट में लेफ्ट में आएगा, और सी हमारे बॉटम में आएगा।
तो इस तरीके से हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक्लिप्स की बजाय स्टैगर्ड फॉर्म दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टैगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्लिप्स्ड में वाया रोटेशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन ऑलमोस्ट फ्री होता है, जैसा कि हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखा है। तो यहाँ पे रोटेशन हम कर सकते हैं, रोटेशन करके ये जो एबीसी आपको दिखाई दे रहा है इसको इन्वर्टेड वाई से वाई शेप में लेके आएंगे। यानी हमारा जो टारगेट है वो ये है, हम इसको इस शेप में लेके आना चाहते हैं। अब इस शेप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे यूनिट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, दोनों ही सही हैं। जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये जो सी है ये क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो बी है ये क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। यानी आप पहले शेप ड्रॉ करें, शेप ड्रॉ करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करें, इससे एक इल्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ऐसा लगता है कि ये बी ज़्यादा घूम रहा है और सी कम घूम रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। थ्री डायमेंशन में इफ़ यू विजुलाइज ये सभी के सभी इक्वल रोटेट होते हैं, इक्वली रोटेट होते हैं। अब इसको हम ऊपर से देखते हैं और अगर हम देखेंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी डी सी वन ई एंड द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज बी सी टू ए, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, एफ सी वन सी टू सी। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल लाइन के टॉप को बनाते हैं, आप ही बताइए वर्टिकल लाइन के टॉप पे एफ आएगा और बॉटम में कौन आएगा, सी आएगा। अब बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस में पहली लाइन में राइट में आएगा ई, इधर आएगा डी, यहाँ कौन आएगा ए और यहाँ कौन आएगा बी। तो आपने देखा व्हेन स्टैगर्ड फॉर्म इज गिवन, कन्वर्ट करो उसको रोटेशन करके एक्लिप्स्ड में और फिर इसको ड्रॉ करो। आइए अब देखते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए न्यूमन को भी फिशर में तभी कन्वर्ट किया जाता है अगर यहाँ पे एक्लिप्स्ड फॉर्म आपको दे रखी है। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन रोटेटेड अकॉर्डिंगली टू गेट एक्लिप्स्ड फॉर्म इनिशियली एंड देन विजुलाइज। तो इसमें अब आप कहाँ से अपनी आई को प्लेस करेंगे, तो आप अपनी आई को यहाँ से प्लेस करके ऐसे देखेंगे। जब आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, इस पे कौन जुड़ा है, इस पे ए और बी जुड़ा हुआ है, और ये जो डॉट है जो फ्रंट कार्बन है इस पे जुड़ा है डी और ई। तो जब तुम यहाँ से देखोगे तो ये ए और गोला और बी दे विल फॉर्म द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस डी डॉट एंड ई दे विल फॉर्म द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो सी है ये डैश में है आपके रिस्पेक्ट में, और एफ भी आपके रिस्पेक्ट में डैश है, यानी दे विल फॉर्म द वर्टिकल लाइन। तो देखिए ये हमने शेप ऑलरेडी फिशर का बना लिया है, अब इसमें हम वर्टिकल लाइन को सबसे पहले बनाएंगे। तो जब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो सी है ये बिल्कुल तुम्हारे सिर के रिस्पेक्ट में टॉप पे रहेगा। तो सी यहाँ होगा और यहाँ होगा एफ। पहली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो गोले वाले दिखाई दे रही है यानी बैक कार्बन की, तो बी आपके रिस्पेक्ट में राइट में है, ए लेफ्ट में है, ई राइट में है, डी लेफ्ट में है। सो गाइस इस तरीके से हम एक्लिप्स्ड को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने आराम आराम से समझा कि कैसे वेजन डैश को फिशर में कन्वर्ट करते हैं, सो हॉर्स को फिशर में करते हैं, न्यूमैन को फिशर में करते हैं। अगर आपको फिशर गिवन है तो रिवर्स में कैसे जाया जाए, तो बहुत आसान है। फिशर आपको पता है कि ये वैलिड होती है किसके लिए, एक्लिप्स फॉर्म के लिए। तो अगर आपको इसका कौन सा बनाना है, न्यूमैन बनाना है, तो सीधा आप ये शेप को ड्रॉ करें एक्लिप्स्ड वाई फॉर्म को एंड देन इंसर्ट द सिम्बल्स अकॉर्डिंगली। और अगर आपको इसका सोहॉर्स बनाना है तो सोहॉर्स में भी आपको पता है, यानी शेप आपको ऑलरेडी पता है, शेप ड्रॉ करके उसमें सिम्बल्स को आप इंसर्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपकी क्वेरीज बहुत अच्छे से सॉल्व हुई होंगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।